शिवी टीवी। दिवाली का दिन था, पूरे मोहल्ले में दीपावली की धूम मची थी। बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे, उनके गुल गपाड़े और शोर शराबे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा था। हर घर दीपों की रोशनी से झिलमिला रहा था, कहीं कहीं बिजली के बल्ब भी शान से टिमटिमा रहे थे। लेकिन इन सब रंगीनियों से बहुत दूर कमला काकी का मकान लगभग अंधेरे में डूबा हुआ था। यद्यपि उनके मकान पर भी दो दीपक जल रहे थे, लेकिन इस जगमगाहट में वे निस्तेज से लग रहे थे। राजू भी अपना घर दिए और मोमबत्तियों से सजा रहा था। उसके बाद राजू को पटाखे और मिठाई भी लेने जाना था, पर जब राजू ने कमला काकी का मकान अंधेरे में डूबा हुआ देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। राजू को यह अच्छा नहीं लग रहा था कि आज के दिन कोई दुखी और उदास रहे। वह अच्छी तरह समझता था कि जब कोई दुखी व उदास होता है तभी त्योहार नहीं मनाता है। लेकिन काकी को क्या दुख है यह बात वह नहीं जानता था। आज मैं काकी का दुख जानकर ही रहूंगा, यह निर्णय करके वह जा पहुंचा अपनी माँ के पास। माँ उस समय रसोई घर में मिठाई तैयार कर रही थी। राजू को कुछ चिंतित देखकर व्याग्रता से पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? माँ, कमला काकी हमारी तरह बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती हैं? वे बहुत दुखी हैं बेटा, उन्हें दिवाली का त्योहार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस दिन उनका इकलौता बेटा पटाखे चलाते समय दुर्घटनाग्रस्त होकर मर गया था। उनके पति भी नहीं है, बेचारी मेहनत मजदूरी करके गुजारा करती हैं। राजू ने आज्ञा लेने की दृष्टि से पूछा, आप मुझे हमेशा कहती हो कि दीन दुखी की सेवा करनी चाहिए, तब क्या मैं काकी का बेटा बन जाऊं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, किसी अच्छे काम के लिए मैं भला क्यों मना करूंगी। माँ की स्वीकृति मिलते ही राजू का चेहरा खिल उठा, वह सरपट कमला काकी के घर की ओर भागा, लेकिन माँ की आवाज सुनकर उसे वापस लौटना पड़ा। बेटा, यह मिठाई तो लेते जा, कहते हुए जब माँ ने मिठाई का डिब्बा राजू के हाथों में थमाया तो उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। मिठाई का डिब्बा लेकर वह काकी के घर की ओर दौड़ा। प्रसन्नता के मारे उसके कदम धरती पर नहीं पड़ रहे थे। आज वह किसी बेसहारा का सहारा बनने जा रहा था। शीघ्र ही वह कमला काकी के घर पहुंच गया। काकी घर के एक कोने में बैठी रो रही थी, शायद उन्हें अपना बेटा याद आ रहा था। काकी, आप रो रही हो? राजू ने पूछा, पर काकी चुप बैठी रही, जैसे कुछ सुना ही ना हो। राजू ने काकी को हाथ से झकझोर कर पूछा, बताइए काकी, आपको क्या दुख है? लेकिन काकी ने राजू के प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने राजू को बैठने के लिए कहा, पर राजू तो जैसे घर से दृढ़ निश्चय करके आया था, बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि आप दीपावली के दिन बहुत सारे दीपक क्यों नहीं जलाती और आप अभी रो क्यों रही हो? राजू की जिद के आगे कमला काकी को झुकना पड़ा। उन्होंने भरे गले से इतना ही कहा, जरा अपने बेटे की याद आ गई थी, आज अगर वह जीवित होता तो वह भी तुम्हारे जितना ही होता। राजू ने भोलेपन के साथ कहा, काकी, अगर बेटा नहीं रहा तो क्या मैं आपका बेटा नहीं बन सकता? मुझे अपना बेटा बना लो काकी, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। कमला काकी ने बेटा कहकर राजू को गले लगा लिया। इसके दोनों ने मिलकर खूब सारे दियों और मोमबत्तियों से घर को सजाया और बिजली के बल्बों की लड़ियां भी लगाईं। अब काकी फिर से रो पड़ी और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, पर इस बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। राजू इसके बाद कमला काकी को अपने घर ले गया और कहा,
आज से आप अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। आज हम सब साथ मिलकर दिवाली मनाएंगे। आप लोगों को भी इसी प्रकार से जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। आज वर्षों के बाद कमला काकी के घर में दीप झिलमिला उठे थे।